जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं हमारा तपोवन न्यूज यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं धनतेरस के दिन ऐसा क्या विशेष करें जिससे घर में धन की बरकत हो, कर्जे का निवारण हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या न रहे, तो उसके लिए क्या करें, आइए इस वीडियो पर हम चर्चा करते हैं। पहले तो यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए आप सभी भक्तों का हृदय से बहुत बहुत आदर है और सुनाइए आप कैसे हैं। मैं हर बात आपके बीच में शेयर करता हूँ, पता नहीं कौन सा समाधान हमारे जीवन में एक बहुत बढ़िया सा समाधान बन जाए जिससे हम तकलीफ़ों से बाहर निकल करके आ जाएं। आइए, भले ही तकलीफ़ ना हो तो भी देवी देवताओं की पूजा करना तो हमारा वैदिक धर्म है, हमारी परंपराएं, हमें करना चाहिए। कल हमने कई वीडियो में उसका मुहूर्त, पूजा, ये सब बता दिया है। 29 तारीख को धनतेरस मुहूर्त भी बताया है शाम के समय, तो आइए इसमें क्या विशेष करें जिससे बहुत बरकत होगी वो सुनिए। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी, कुबेर और भगवान गणेश जी की विशेष रूप से इसमें पूजा की जाती है। याद रखिए, भगवान गणेश जी को पूजा जाता है, लक्ष्मी माँ को पूजा जाता है और भगवान कुबेर को इसमें पूजा होती है, तो इन देवताओं की इसमें पूजा होती है, दिए जलाए जाते हैं। मैंने पूर्व में भी बोला है कि, और मैं आगे भी बताऊंगा कि दीपक कितने जलेंगे, आगे की बात मैं कहूंगा। इस दिन आप कहीं हो सके आपसे तो वृक्षारोपण कीजिए। वैसे ऐसा बताते हैं कि इस दिन केले के पेड़ लगाने की बहुत बड़ी महिमा है, आपको ना पता हो तो सुन लेना। ये धनतेरस वाले दिन केले के वृक्ष लगाने का बहुत बड़ा महात्म्य है। हम भी गौशाला में इस दिन केले के कुछ पेड़ लगवा रहे हैं क्योंकि उसका महात्म्य है। और धनतेरस के दिन दान करना बहुत सो माना ही गया है, पूजा पाठ के लिए ये दिन बहुत विशेष है। और मैं कहना चाहूँगा कि धनतेरस के दिन धनिया गुड़ मिला करके पंजीरी टाइप की बनाई जाती है जिसका भोग लगाया जाता है, नैवेद्य, जिसमें गुड़ और धनिया को बहुत विशेष माना गया है। और बताते हैं कि धनतेरस के दिन गोमती चक्र और कौड़ी, ये दोनों चीज़ें अपनी तिजोरी में रखी जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ होता है, बहुत ज़्यादा मांगलिक होता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। तो मैं फिर कहना चाहूँगा, दानम तपोव्रतम होमो जप पूजा आदि का क्रिया, ऐसे पर्व के समय पर, त्योहारों के समय पर दान, पूजा पाठ, ये अपने आप में बड़ा अनंत गुणा फलदायी होता है। यूँ तो रोज ही करें तो बढ़िया है, लेकिन ये कुछ तिथियाँ ऐसी विशेष हैं जिसमें करने से बड़ा अद्भुत फायदा मिलता है। भगवान धन्वंतरी देव प्रकट हुए हैं, इसलिए यह तिथि रोग निवारण के लिए भी बहुत विशेष मानी गई है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मानी गई है। इसलिए इस दिन को खा पी करके सो करके ना निकाल दें। पिछली वीडियो में मैंने मुहूर्त डाला है, उसको एक बार आप सुन लीजिएगा। और मैंने विशेष रूप से इस वीडियो में बात कही है कि इस दिन कौन से देवता की पूजा करें, कुबेर भगवान की पूजा करें, लक्ष्मी मैया की पूजा करें और इसमें भगवान गणेश जी की पूजा जरूर करें, क्योंकि भगवान गणेश जी हर प्रकार से हमें बुद्धि वगैरह देते हैं, इसलिए ध्यान रहे इस बात के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, नई नई डेट, नई नई अपडेटें आप प्राप्त करते रहेंगे। फिर कहूँगा, जीवन मुक्ता सदा तेषु पापम एवावतिष्ठते, इन पूजा पाठ से व्यक्ति का जीवन मुक्त हो जाता है, अपराध करने से, पाप करने से बच जाते हैं। इसलिए पंचामृत से भगवान को स्नान कराइए, सामने धूप जला करके हवन यज्ञ कीजिए, शुद्ध देसी गौ माता का घी उसको आप प्रयोग में लेकर के, और इस दिव्य तिथि को आप बहुत पावन कर सकते हैं, इसको आप बहुत दिव्य कर सकते हैं। तो धन्वंतरी भगवान, लक्ष्मी मैया, भगवान गणेश, इनकी पूजा करके हम अपने संपूर्ण दुख दारिद्रता को मिटा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो आपने पूरा सुना, इस वीडियो को आगे जरूर भेजिए जिससे और भी लोग इससे लाभान्वित हो सके। और आप सीधा वृंदावन पधारिए, आप सादर आमंत्रित हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। इस वीडियो में मैंने ये बात कही है कि विशेष क्या करें इस दिन जिसमें इस तिथि को माना जा रहा है धनतेरस को, ठीक है, आगे भी भेजिए।